हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम जंगल में आ गए बनी में, और गांव के जो धरोहर है वो वहाँ पे हम पक्षी और पशुओं का जो पानी की प्याऊ है वो हम भरेंगे। सचिन और भाई सतेंद्र तीनों हैं, प्याऊ में पानी डालेंगे हम। इन भाई साहब पानी लेके आ चुके हैं और यहाँ पे सारी जो प्याऊ है आज साफ करेंगे और हम पानी डालेंगे। इसने साफ कर ले वैसे, अच्छे से साफ करो। वीडियो तो भेजी कौन नहीं, गर्मी होगा, गर्मी बना दी मैं। पक्षियों को पानी पिलाना बहुत जरूरी है, आप भी रखा रहो भाई। हम सब रखते हैं, इसको अच्छे से रखेंगे और पानी आ जाएगा इसके अंदर। एक प्याऊ ये है और इसके अंदर पानी डाल दिया हम। सचिन भाई जल्दी लेके आओ। और एक प्याऊ वो है, तीन चार वो उस साइड और उस साइड, दोनों साइड भरेंगे। भाई सतेंद्र कोच, सूर्य डिफेंस एकेडमी, और प्याऊ को साफ करेंगे, प्याऊ को साफ करेंगे और अपने धर्म मादा में हाथ बढ़ाते हैं। सबसे आगे सचिन भाई, ये सतेंद्र कोच सूर्य एकेडमी कोचली से आज स्पेशल पानी डालते हुए प्याऊ के अंदर। और ये चार पांच प्याऊ और हैं सतेंद्र, इसमें और डाल दो, इसमें और डाल दो, इसमें सीधी करके इसमें रख डाल दे। सही है, सब पीवी भाई, साफ भी हो जाए, साफ हो गए। आज हम पूरे जो यहाँ पे जंगल है ना पूरा हमारा, और इसके सारे प्याऊ हैं, हम उसको साफ करेंगे। जंगल थड़ी है और पानी डालेंगे इसके अंदर। बनी है या बनी, जंगल सारा एक ही है, हम इसको साफ करेंगे और प्याऊ में पानी डालेंगे। और आप भी पानी डालें, बहुत तेज गर्मी होती है, कोई भी पक्षी पानी की वजह से न मरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सचिन भाई साहब ने प्याऊ है जो साफ कर दी है, और जो पूरी बनी है इसकी जो प्याऊ है सारी की सारी हम पूरी कवर करेंगे। जल्दी से दौड़ के भाई सचिन भाई जल्दी लेके आओ। और हमने यहाँ पे देखो चार पांच प्याऊ हैं जो वो उस साइड हैं, वो हमने भर दी हैं, और ये भर दी साफ करके, और वो अभी बाकी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी पक्षी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है कि कोई भी पक्षी है ना प्यासा ना मरे, और पशु पी लेंगे। ये छोटी छोटी प्याऊ हैं तो पशु पी लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पक्षी भी पीते हैं, पशुओं के लिए वो खेल है, जो कि पानी भरा जाता है उसके अंदर, उसी में पी लेते हैं। पशु कमाते हैं, यहाँ पक्षी हैं, देखो चारा, ये देखो पूरे दाने वाने यहाँ डाले जाते हैं, और ये भी प्याऊ है। काटा चाल गया भाई। और यहाँ पे सचिन भाई ने पानी वहाँ पे डाल दिया, फुल कर दी प्याऊ। और ये वाले इसमें और डाल के साफ कर दो। और अभी हम और सर्च करेंगे और प्याऊ कहाँ है। एक वो है सचिन भाई, वो पीछे है, तीसरी जो किकर है, पैर में लगी खून आगे, देखो जो हो। रेत लगा दें सचिन, उरे की उरे रुक जाएगा उस प्याऊ में। और मैं अभी और देखता हूँ और कहाँ है प्याऊ, अभी हम सारी की सारी कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने सारी जो जो जंगल की थी, जो बनी की थी गांव की, सारे की सारी प्याऊ हैं जो, वो हमने भर दी हैं इस साइड की। और लगभग 6-7 प्याऊ थी इस साइड और उस साइड 6-7, मतलब
लगभग 10-12 प्याऊ थी, वो हमने सारी की सारी भर दी हैं, साफ़ कर दी हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि पानी हमने दूसरी साइड से ले लिया था। यहाँ से हमने पानी लिया, जो ये देख सकते हैं ये कीट नाल, और यहाँ से पानी ले लिया प्याऊ, यहाँ से पंप लगा के तो भर दिया जाता है। इसमें पानी है और उसमें भी पानी है, दोनों में पानी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने घर। तो फिलहाल हम पानी वानी डाल के सारी प्यास भर के आ चुके हैं अपने घर। तो 2-4 भाई थे, सारे के सारे हम मिले और हमने विचार किया कि आज हम ना सारी प्यास जो भी जो हमारी बनी की थी, हमारे आस पड़ोस की थी, वहाँ पे सारी प्यास हमने भर दी और साफ़ करी, और मन को बड़ी शांति मिली। क्योंकि जैसे हमें पानी चाहिए ना साफ़ सुथरा, ऐसे ही पक्षियों का जो पानी पीने की वो व्यवस्था थी वो अच्छी कर दी, कहीं नहीं थी तो वहाँ पे हमने प्यास बना के रखी। तो हमें बड़ा मतलब शांति मिली, मन को बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आप भी ऐसा ही करिए, आड़ोस पड़ोस में रख दें, है तो देखो कहीं प्यास तो सूखी नहीं पड़ी है। तो पानी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। चलिए आज के व्लॉग नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि ये नेक काम करना था, मन को बड़ी शांति मिली। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।